हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। और स्वागत है आपका यस ए कॉमेडी ब्लॉग पे। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी आई हूँ इधर अपने खेत के इधर, और आता कर लो तो आम निहरी। तो मैं बोली चलो हमारे भाई बहन को दिखाती निहरी करता नहीं। दादी भी इधर खाना खा रहे है, देख सकते हैं निहरी कर रहे है का। और मस्त आज एक नंबर मतलब बहुत ही स्वादिष्ट आज भोजन मैंने बनाया है। हाँ, थोड़ी थोड़ी एली का माला हिंदी आता, अभी क्या करूँ भाई, मेरे को ज़्यादा नहीं ना जमती, थोड़ी थोड़ी जमती है। तो चला मैं आपको क्या करते, हाँ दाखोते कि क्या भाई मैंने आज बनाया है। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने बनाई है कढ़ी है, ये दही की कढ़ी है, देख सकते है का, है का, दही की कढ़ी बनाई है। इधर बनाई है मैंने ये दाल, हरी मसाले की दाल आई थी। इधर है ठेसा, बगू सकता है ठेसा कसा है, तो एकदम झन झन गावा करता, झन झन चम चम छम छम का है ठेसा है। ते पन हिरवी मिर्ची का मैं तो तोंडाला पानी सुटाय लागली। आणि त्याच्यासोबत लोणचं पण आहे, लोणचं मतलब खार, खार मालूम आहे तुम्हाला? मला नाही माहिती खार, त्याला लोणचंला काय म्हणतो हिंदी मध्ये, लोणचंला काय म्हणतात हिंदी मध्ये? आपीच एक एक कमेंट डाल दो, मे को लोणच को काय बोलते हिंदी मध्ये, अभी मे को नाही जमता, थोडा थोडा जमता। तर इधर मैंने लाई है ज्वारी की, बाजरी की रोटी, बघू शकताय मिरची आणली, कांदा आणलाय, आणि आता मी खाय लागले। मे को बहुत ही मतलब बहुत भूक लगी है भाई। आणि वावर मे कैसा मालूम के वो, हाँ वावर में कुछ भी खाता आदमी, और बहुत ही भूख लगती है वावर मधी। तो मुन है का सांगू शकत नहीं एकदम झन झन चम 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 लली ला 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 लली ला 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 हे लली ला 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 तो बहुत ही अच्छा दादी कड़ी कैसा बना है? बहुत ही अच्छा कड़ी बनाए है, अच्छा बनाए है क्या? बहुत भारी। अच्छा ठीक है, तो दादी को पसंद आया है कड़ी, अभी तुमको पसंद आता है कि नहीं क्या मालूम, तो आप मेरे को कमेंट डालना। और चलिए बाय दोस्तों, टेक केयर, खाली भाकर लव यू मसाली। तो चलो भाई अभी खाना वाना तो हो गया, अभी आराम बस हो गया, क्योंकि अभी इधर अपन काम करने वाले हैं। और मैंने आपने देखा है कि मैंने ऐसी वट्टी कर रही है गाउन की वट्टी करके उसमें मैंने लिया है गावरान लहसुन। और हाँ दोस्तों, ये गावरान है प्योर गावरान लहसुन और हाइब्रिड लहसुन में आपको तो फर्क मालूम होगा ना, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट में डालिए। और ये गावरान लहसुन है ना, बहुत ही मतलब खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहता। इसका मटन का कोड़ा काले मसाले का बेच मस्त होती है, क्या सांगू तुम्हारा, एकदम छन छन चम चम छम छम गावा करता। अभी मला नहीं माहित तुमने आपने बनाया है कि नहीं गावरान लहसुन का कोड़ा, लेकिन एक बार जरूर देखना भाइयों बहनों, लाल सर रहता है गावरान लहसुन, और इसकी खुशबू है ना एकदम तेज रहती, एकदम मस्त पैकी। तो आप देखना, मैं सहसा गावरान लहसुन ही लाती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत आवड़ता है गावरान लहसुन। तो आप भी ओह माय गॉड, ओह भाई, तर चला मी जास्त बोलू शकत नहीं आणि मला येत नहीं, तुम्हाला तो माहिती आहे। बर चला ब्लॉग कसा, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा है भाइयों बहनों, नक्कीच कमेंट डालो एक एक, और तुम्हारे संगीत को सपोर्ट करो रे भाइयों बहनों। और ऐसा ही मेरा अवतार हो जाता है, देख सकते हैं आप, बहुत ही काला काला अवतार हो गया है मेरा। हाँ बहुत मतलब हाथ पे वो माशे के खौले च आ गए, वो नहीं क्या उल्ले के बाद नहीं होते क्या, तो वो माशे के खौले आ गए है आंग पे, क्या बोलूँ अभी मैं नहीं बोल सकती। तो वो दादी मेरे पीछे पीछे रहते, काम हो गया क्या नहीं, काम हो गया क्या नहीं, ठीक से हो गया क्या नहीं, चिल्लाते रहते मेरे ऊपर, मेरे को बोलते आराम मत कर। बरा अच्छा ठीक है, चला नक्कीच सांगा वीडियो कसा वाटला, लव यू सगळ्याला, बाय।